हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 18 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इनमें से कौन सी कंट्री जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का फाउंडिंग मेंबर नहीं है, जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था? चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी यूके एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी, इटाली। अब देखिए, सबसे पहले ये जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है वो जान लेते हैं। इसका दूसरा नाम है ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर ईरान डील भी कहते हैं इसको, राइट। अब इसका मेन पर्पज ये था कि जब ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे ये जो फाउंडिंग मेंबर्स है उन्होंने ईरान के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए थे। अब देखते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। तो सबसे पहले तो P5+1, P5 मतलब जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनके पांच परमानेंट मेंबर्स, जिसके अंदर है यूएसए, यूके, फ्रांस, फिर उसके बाद चाइना एंड रशिया। इन पांचों कंट्री के अलावा प्लस वन का मतलब होता है जर्मनी, राइट। तो ये छह कंट्री जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, प्लस ईरान भी इस डील में शामिल था, प्लस यूरोपियन यूनियन। तो इतने मेंबर्स जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, यूएनएससी के पांच परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी प्लस ईरान एंड प्लस ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो इसका मतलब ये होता है कि इटाली जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, इसकी वजह से ये इसका आंसर होगा बी, इटाली। अब ये जो जेसीपीओए है, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंदर ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे रिसेंटली, ये इस वजह से न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने ये जो जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसमें से विड्रॉ कर लिया था, एंड दैट इज व्हाई द जेसीपीओए वाज इन न्यूज। तो इसका आंसर होगा बी, इटाली। अब आप सभी को पता है कि यूएस ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाता है, इसकी वजह से भी ईरान जो है वो न्यूज में है। एंड रिसेंटली जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, जिसका जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से इंडिया को विड्रॉ करना पड़ा, तो इस वजह से ये पूरा ईरान का जो एरिया है वो ईरान एंड इंडिया के रिलेशन भी न्यूज में है, ईरान और यूएस के बीच में जो टेंशन है वो भी न्यूज में है। तो ईरान से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो सभी हमको कवर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ कास्पियन सी। कौन सी कंट्री कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? ए ईरान, बी अजरबैजान, सी रशिया एंड डी उज्बेकिस्तान। चार में से कौन सी कंट्री कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? तो इसका आंसर होगा डी, उज्बेकिस्तान। अब देखिए यहां पे मैप पे दिया गया है आपको, ये पूरा कैस्पियन सी का इलाका है। अब क्लॉकवाइज अगर हम देखने जाए तो कौन से बॉर्डरिंग कंट्री है, अजरबैजान है, देन रशिया, देन कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और नीचे है ईरान, राइट। सो उज्बेकिस्तान जो है वो यहां पे है, वो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, एंड दैट इज व्हाई हमारा आंसर होगा डी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूज में है। So, ईरान से लेके जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है वो भी आपको कवर करने चाहिए, और ये पर्टिकुलर जो एडिटोरियल है वो हमें ये कहता है कि किस तरीके से इंडिया एंड ईरान के बीच में बायलैटरल टाइज जो है वो मेंटेन होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 के अंडर जो इंडियन टेरिटरी का मीनिंग दिया गया है उसके बेसिस पे
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड स्टेटमेंट, एनी टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड इन फ्यूचर। एंड थर्ड दिया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, डबल ई जेड। तो इन तीनों में से इंडियन टेरिटरी के मीनिंग के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो आएगा? तो हमारा आंसर होगा ए, वन एंड टू। अब देखिए आर्टिकल वन के अंदर ये मेंशन किया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरी दैट मे बी अक्वायर्ड इन फ्यूचर। तो इसका मतलब ये तीन कैटेगरी जो है वो आर्टिकल वन के अंडर इंडियन टेरिटरी कहलाई जाएगी। इंडिया का अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर राइट है, लेकिन वो आर्टिकल वन के अंदर इंडियन टेरिटरी के मीनिंग में नहीं आता। इंडिया हमारे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं सर्टेन थिंग्स, लेकिन वो आर्टिकल वन के तौर पे इंडियन टेरिटरी नहीं है। तो उसकी वजह से इसका आंसर होगा ए, वन एंड टू। अब पर्टिकुलरली जो चाइना के साथ एलएसी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया का, इस वजह से भी ये इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, वो न्यूज में है। प्लस रिसेंटली किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी कि इंडिया का नाम जो है वो भारत कर देना चाहिए, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये पिटीशन फाइल की थी, द नेम ऑफ इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू भारत, राइट? अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये था, इट इज द फुल्ली डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये पूरा पार्लियामेंट का पावर है कि वो इंडिया का चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? तो इस तरीके से ये रिसेंटली जो आर्टिकल वन है वो न्यूज में इसलिए था कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना चाहिए, ऐसे पिटीशन किसी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट क्रिएट्स अ डीप गॉर्ज थ्रू द हिमालयाज नियर नामचा बारवा लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। डीप गॉर्ज क्रिएट करता है हिमालयाज के पास, एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है नामचा बारवा, एक लोकेशन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट फ्लोज पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, कि हिमालयाज के पैरेलल चलती है रिवर जो है वो, और उसके नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल इंडिपेंडेंटली, ये अकेली ही बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें यहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा वन एंड थ्री। अब अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो वो ओरिजिन होती है कैलाश रेंज के पास, कैलाश रेंज के पास नियर मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज के पास नियर मानसरोवर लेक। तो अगर मान ले कि यहां पे हिमालयाज है तो उसके नॉर्थ डायरेक्शन के पैरेलल ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो आगे बढ़ती है, तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया हमारा। अब देखिए यहां पे अरुणाचल प्रदेश जो है उसके ऊपर ये है नामचा बारवा, और यहां से वो यू टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर होती है। तो मतलब नामचा बारवा जो है वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वो किसकी टेरिटरी में है? चाइनीज टेरिटरी में है। सो नामचा बारवा इज लोकेटेड इन चाइना, नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। फिर वहां से वो नॉर्थ ईस्ट में से बहके बांग्लादेश में एंटर होती है, और बांग्लादेश में वो गंगा रिवर के साथ मर्ज होती है। जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर मर्ज होती है तो उस रिवर को कहा जाता है मेघना रिवर। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर जब मर्ज होती है तो उसको कहते हैं मेघना रिवर। ये मेघना रिवर जो है वो फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ये इंडिपेंडेंटली जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, लेकिन ये सबसे पहले गंगा रिवर में मर्ज होगी, फिर उसके बाद मेघना रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है, एंड दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
तो हमारा आंसर होगा ए 1 एंड 3। ये पर्टिकुलरली जो आर्टिकल है वो इस वजह से न्यूज में है क्योंकि आसाम के अंदर अभी फ्लड की सिचुएशन चल रही है और काफी सारी चीजें न्यूज में रहती है, फॉर एग्जाम्पल फ्लड मिटिगेशन, फिर उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, वो भी न्यूज में है, और रिवर जो है वो न्यूज में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मेनली बराक रिवर। तो ये दोनों रिवर के बारे में आपको डीप में नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। तो चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। यहां पे ये कहा गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनकी ऑफिस में से रिमूव करने के लिए जो ग्राउंड है वो उसी ग्राउंड पे रिमूव कर सकते हैं जिस ग्राउंड पे आप हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद थर्ड, द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी वेराइड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब जब आप उनको अपॉइंट कर देते हैं तो उसके बाद उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी होगा इसका आंसर 1 एंड 3। पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए दो ग्राउंड्स है, प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, राइट। तो ये दो ग्राउंड पे आप हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253K, उसमें भी ये लिखा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है तो उनको आप हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के जो बेसिस है उसी के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। तो मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है इट इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, नॉट दी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। एंड थर्ड है कंडीशन ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी वेराइड, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप एक बार उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं फिर उसके बाद जो कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1 एंड 3। अब पर्टिकुलरली जो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूज में थे, रमेश कुमार नाम है उनका। ये इस वजह से न्यूज में था क्योंकि अब ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको रीअपॉइंट करने के लिए उन्होंने गवर्नर को, जो स्टेट के गवर्नर है उनको कंसल्ट किया था, और फिर उसके बाद रिसेंटली वहां की हाईकोर्ट जो है आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को कि पर्टिकुलरली इनको फिर से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे रीअपॉइंट किया जाए, राइट। और उस वजह से आर्टिकल 43 जो है 243K सॉरी वो न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक। इकोसॉक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और द इकोसॉक इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ये उसमें से एक है। सेकेंड स्टेटमेंट, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेल्ट बाय इकोसॉक, ये उसका एक फंक्शन दिया गया है, ये करेक्ट है या नहीं। थर्ड, इंडिया इज करंटली अ मेंबर ऑफ इकोसॉक, तो चलिए देखते हैं क्या करेक्ट है इसके अंदर। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब आपको एक ब्रीफ नॉलेज होगा कि यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। फर्स्ट इज यूएनजीए,
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर उसके बाद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सिक्स्थ इज यूएन सेक्रेटरिएट। ठीक है, तो ये सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेल्ट बाय इकोसॉक, तो ये भी करेक्ट है। उसके कुछ और भी फंक्शंस हैं जो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कौन से फंक्शंस हैं। उसके साथ में है एडवांसिंग पॉलिसी इंटीग्रेशन, फिर उसके साथ में डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर नेशंस, फिर उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये उसके कुछ प्रिंसिपल फंक्शंस हैं। इंडिया इज अ मेंबर, यस ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है वो इकोसॉक का मेंबर बना था, लेकिन उसकी टर्म जो है वो एक्सपायर होती है दिसंबर 2020 में। दैट इज व्हाई ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब रिसेंटली जो इकोसॉक की एनुअल समिट हुई थी उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक नई टर्म दी थी, दैट इज रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स न्यूज में रहता है कि आफ्टर द चेंज्ड ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक, वर्ल्ड का नया ऑर्डर कैसा होगा, राइट? और इस वजह से ये रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म जो है वो न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स वर फॉर्म्ड बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। नीचे से कौन सा प्रोग्राम जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के पहले लॉन्च किया गया था, राइट? तो पहला स्टेटमेंट दिया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर सेकेंड है जवाहर रोजगार योजना, और थर्ड है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम कहते हैं मनरेगा। तो इन तीन प्रोग्राम में से कौन सा 1991 के पहले फॉर्म किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। अब देखते हैं जो फर्स्ट प्रोग्राम है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको लॉन्च किया गया था 1978-79 में, और फिर उसको यूनिवर्सली बेनिफिशियरीज को ऐड किया गया था 1980 में, राइट? तो मतलब कि ये 1991 के पहले का प्रोग्राम है। इसका एक ब्रीफ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर दो टाइप की बेनिफिट्स जो है वो बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड करवाए जाते थे। फर्स्ट इज सब्सिडी, जो फार्मर्स है और जो पुअर पीपल है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी, एंड सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो दो टाइप के बेनिफिट्स मिलते थे, सब्सिडी मिलती थी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी। फिर उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना जो है उसको 1989 में फॉर्म किया गया था। अब ये जवाहर रोजगार योजना जो है इट इज बेसिकली अ मर्जर ऑफ टू प्रीवियस स्कीम्स, जिसके अंदर NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये दोनों को मर्ज करके जवाहरलाल रोजगार योजना जो है उसको बनाया गया था, ठीक है, 1989 के अंदर। तो मतलब सेकंड भी करेक्ट है। मनरेगा जो है उसके उसको बनाया गया था 2005 में, राइट? तो ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जवाहर रोजगार योजना एंड मनरेगा के बीच में एक सिमिलारिटी है, जो सेकंड है जवाहर रोजगार योजना उसके अंदर 90 to 100 days एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन पर ईयर वो प्रोवाइड करवाई जाती, एंड मनरेगा के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है उनको 100 days
की पॉपुलेशन, सॉरी एम्प्लॉयमेंट, वो प्रोवाइड करवाई जाती है विद इन अ ईयर, ठीक है? तो इस वजह से थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब रिसेंटली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, तो उसके अंदर ये एक आउटकम बाहर आया है कि नियरली 270 मिलियन इंडियंस लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जो यूपीए गवर्नमेंट का टाइम स्पान है अप टू 2013, इस टाइम स्पान के दौरान नियरली 270 मिलियन पीपल को जो पॉवर्टी है उसमें से एलिवेट किया गया था। इस वजह से ये प्रॉपर आर्टिकल जो है वो न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी। एनएचआरसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी इज 3 ईयर्स। जो चेयरपर्सन है और उसके मेंबर है उनकी टर्म रहती है 3 साल की। सेकेंड स्टेटमेंट, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। मतलब कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या फिर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, तो ऐसे पर्सन को आप एनएचआरसी का चेयरपर्सन बना सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अ डीम्ड मेंबर ऑफ एनएचआरसी। जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो अभी डीम्ड मेंबर है एनएचआरसी के। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। अब रीजन क्या है वो देखते हैं। अब पहले जो एनएचआरसी था उसके अंदर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की टर्म थी 3 ईयर्स, 3 साल की, सॉरी पहले 5 साल की थी, राइट? रिसेंटली जो एनएचआरसी अमेंडमेंट बिल पास हुआ 2019 में, तो उसके अंदर ये टर्म जो है उसको रिड्यूस करके 3 साल की गई है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देखिए पहले इस अमेंडमेंट बिल के पहले ये क्लॉज था कि ओनली द चीफ जस्टिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी दी चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं तो ही वो चेयरपर्सन बन सकते हैं एनएचआरसी के अंदर, राइट? रिसेंटली जो अमेंडमेंट पास हुआ उसके अंदर ये क्लॉज चेंज करके अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस होने चाहिए, अगर जज हो वो भी चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो मतलब सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अ डीम्ड मेंबर, ये भी करेक्ट है। ये भी रिसेंटली जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ऐड किया गया था। सो देर आर टोटल 3 मेंबर्स जो अभी डीम्ड मेंबर है एनएचआरसी के। फर्स्ट इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर उसके बाद चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और उसके बाद है चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो ये 3 पर्सन को रिसेंटली डीम्ड मेंबर के तौर पे ऐड किया गया था अंडर एनएचआरसी। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, राइट? तो रिसेंटली जो लास्ट ईयर 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? ये पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की वजह से ये एनएचआरसी जो है वो कई बार न्यूज में रहता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड अबाउट कंट्रीज एंड देयर मार्स मिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट पेयर इज इनसाइट और उसके सामने कंट्री है यूके, ब्रिटेन। सेकेंड है मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया।
एंड थर्ड है होप, यूएई। तो चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। आंसर होगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। अब इनसाइट जो है इट इज अ लैंडर विच वॉज लॉन्च बाय नासा। नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। तो मतलब कि ये फर्स्ट पैर जो है वो इनकरेक्ट हो गई, राइट। मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका इंडियन नेम है मंगलयान, राइट। तो मतलब कि ये सेकेंड पैर जो है वो करेक्ट है। थर्ड होप, होप मिशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा। ये मिशन जो है वो यूएई का है लेकिन लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा, राइट। सो इट इज अ फर्स्ट अरब मिशन टू मार्स एंड दैट इज व्हाई द होप मिशन वाज इन न्यूज। तो आंसर होगा सी, सेकेंड एंड थर्ड। जो जैपनीज रॉकेट है उन्होंने अरब मिशन जो है होप मिशन उसको मार्स पे रिसेंटली लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर है तब इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को। सेकेंड, इट इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी, सेकेंड ओनली। अब ये स्कीम जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2004 में लॉन्च किया गया था। 2004 में प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, राइट। अब 2004 में जब इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी। फिर 2008 के अंदर सभी एम्प्लॉइज सभी सिटीजन्स के लिए इसको ओपन किया गया, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी के टाइम पे ये लॉन्च नहीं की गई थी, इस वजह से आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। रेगुलेशन जो है वो PFRDA एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलके करते हैं। तो अभी की जो सिचुएशन है उसकी वजह से सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी की वजह से एनपीएस के अंदर एनरोलमेंट जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर का शेयर इंक्रीज हुआ है, राइट। तो इस वजह से ये एनपीएस स्कीम जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहां पे खत्म होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।